बहुत सारे लोगों के द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि N2O5 में यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ आपको उसको देखना पड़ेगा, काफी जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। सवाल हमारा है N2O5, जिसको हम लोग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी। तो देखिए, नाइट्रोजन की संख्या दो है, तो हमने दो नाइट्रोजन एटम दिया। अच्छा, नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.5 अमूमन के और एल सेल में, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 2.6 के और एल सेल में। इसमें ऑक्टेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए, नाइट्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, अगर मान के चलिए हम एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यहां लिखे, दो यहां लिखे, पुनः इसके लिए भी एक यहां और दो अगर यहां, और एक इधर की तरफ लिख लेते हैं, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। अच्छा, और उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ लिख लें ऐसे, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 5। चेक कर लीजिए, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये 6। इधर ऑक्सीजन का भी नहीं लिखे हैं, तो ऑक्सीजन एक एटम इधर, एक एटम इधर, और एक एटम इधर, एक एटम इधर, और फिर एक एटम इधर लिख लेते हैं। यहां ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो हमने क्या किया, 2 2 4 2 6 बना लिया। यहां हमने क्या किया, 2 2 4 और 2 6 बना लिया। यहां चेक कर लीजिए, 2 2 4 1 5 और 1 6, और यहां 2 2 4 और 2 6, ये क्लियर है। अब देखिए बॉन्डिंग कैसे होती है इन दोनों के बीच। यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्टेट कंप्लीट कराने जाएं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको हम लोग अमूमन क्या करते हैं, ऐसे घेर देते हैं, लेकिन हम इसमें घेरेंगे नहीं। अब देखिए, यहां ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो हमने 6 दे दिया। ये दो बॉन्ड बनाने चला जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन था और 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन एक इनके साथ बॉन्ड बनाया, फिर नाइट्रोजन एक इनके साथ बॉन्ड बनाया। अब नाइट्रोजन इनके साथ क्या करेगा भाई, देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में चले जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास देखिए 2 2 4 1 5 1 6 और 6 2 8, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, तो नाइट्रोजन की बॉन्डिंग भी कंप्लीट है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पे ना अभी यहां मौजूद है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन को दे देता है, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन को देता है तो यहां बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर है। अब सवाल पूछा जाता है कि कोवैलेंसी क्या है, तो कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना है। तो कहा जाता है कि किसी कंपाउंड में टोटल बॉन्ड की संख्या होती है, उसकी संख्या को कोवैलेंसी कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी कंपाउंड में टोटल बॉन्ड की संख्या को कोवैलेंसी कहा जाता है। तो जरा चेक करिए, यहां नाइट्रोजन के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, तो कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी यहां क्या लिखेंगे, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। दूसरा सवाल भी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि N2O5 में टोटल कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या होती है, तो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या जो टोटल होती है, इसमें 2 3 4 और 2 6, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या 1 और 1 2 होती है। क्लियर हुई बात। ये BHU में भी सवाल आपसे एंट्रेंस एग्जाम में सवाल ये पूछा गया था, NCERT का बड़ा फेमस ये एग्जाम्पल है, नीट में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है, हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम हुआ कि N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है, टोटल कोवैलेंट 6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।